नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अब प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी। इनमें मैथिली, भोजपुरी और मगही सहित अन्य स्थानीय भाषाएं शामिल होंगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद विभाग के बजट मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 4 मार्च को कालजयी रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु की शताब्दी जयंती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महात्मा गांधी को याद करने और कालजयी रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और आने वाले समय में विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, जो स्थानीय भाषा है, उसके माध्यम से कराएंगे। उनको इसी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बच्चों में जो समझ विकसित करने का समय होता है, उन्हें जो मातृभाषा में समझाया जाएगा वो दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते हैं, इसलिए सहज रूप से सभी चीज का ज्ञान उनके अंदर स्थापित करने के लिए और साथ ही गांधी जी के आदर्शों को तथा रेणु जी की जो दिशा थी पढ़ने लिखने की, उसे सम्मानित करने के लिए सरकार ने प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही को अपनाने का फैसला लिया है। माले के महबूब आलम के उर्दू को भी इसमें शामिल करने की मांग पर मंत्री ने कहा कि महबूब आलम पता नहीं किस मानसिकता से उर्दू को पीछे बैठा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उर्दू द्वितीय राजभाषा है। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है उर्दू से उन्हें कम प्रेम है, वे इसे द्वितीय राजभाषा से नीचे उतारकर क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना चाहते हैं। मंत्री के संबोधन के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण उन्हें अनुमति नहीं दी गई और शिक्षा विभाग की वर्ष 2021-22 के लिए बजट मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बजट मांग पर कटौती प्रस्ताव देने वाले कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में शिक्षा में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने यह भी कहा कि कोरोना के समय करीब 1 साल तक मजबूरन सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा था, अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। चरणवार 4 जनवरी से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय और यूनिवर्सिटी खोले जा चुके हैं। 8 फरवरी से मध्य विद्यालय को प्रारंभ किया गया है। वहीं 1 मार्च से प्रारंभिक विद्यालय भी खुल गए हैं। सरकार ने हिदायत दे रखी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए बजट का लगभग 22% शिक्षा पर खर्च किया गया है। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% खर्च रखा गया है। हम बिहार में इस लक्ष्य को आज ही प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग की बजट मांग पर 19 सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, उनके सुझाव को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने पहली बार सदन में बोलने वाले 3 सदस्यों को विशेष बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही सुझाव देने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते हुए बिहारी न्यूज़, धन्यवाद।